लोअर बॉटनी का एक बहुत इंटरेस्टिंग जनरा है अरिक्शिया। अरिक्शिया ब्रायोफाइट्स में छोटा सा थैलस होता है, डाइकोटमस के ब्रांच होता है, डॉर्सल वेंट्रल होता है, जिसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस ऑब्जर्वेशन टाइप होता है, एक लाइन होता है। अगर इसको थैलस को कट करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल होता है। इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और स्टोरेज रीजन होता है। और फोटोसिंथेटिक रीजन्स जैसे नाम से ही लग रहा है, फोटोसिंथेटिक रीजन्स बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है, उनके अंदर एक क्लोरोफिल सेल्स होती हैं और सब वर्टिकल रोज दो होती है। वर्टिकल रोज के बीच में एक से दूसरे रोज के बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस जो होता है वो होती है चैम्बर्स होते हैं और वो चैम्बर्स एयर चैम्बर्स बाहर जाके एक्सटर्नली खुलते हैं और ऊपर की जो सेल्स होती है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स की वो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की सेल्स के कंपोजिशन में लार्ज होती हैं और एल डिफाइंड होती है, रेगुलरली नहीं होती हैं, वो बीच में थोड़े से ग्रे गैप्स होते हैं। और जो नीचे का पोर्शन है स्टोरेज रीजन, स्टोरेज रीजन कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है, पेरिफेरल सेल्स होती है और एपिडर्मल फ्लोर जो होता है थैलस का वो कनेक्ट होता है। लोअर एपिडर्मल सेल्स से राइजोइड्स निकलते हैं। इसमें राइजोइड्स दो तरीके के पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल्ड और क्यूबॉइड प्लेट। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स की आउटर वॉल स्मूथ होती है और इनर वॉल भी स्मूथ होती है, जो इसके नाम में है। और जबकि जो ट्यूबर प्लेट राइजोइड्स है, ट्यूबर प्लेट राइजोइड्स की भी आउटर वॉल एज वेल एज सिंपल होती है, बट इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल में पेग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाथी जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं और इसका राइजोइड्स